किसी को पता ही नहीं है कि कुरान मजीद क्या कहता है। लोग बड़े हुए पैदा हुए और कहा मैं सिंध में पैदा हूँ, मैं सिंधी हूँ। मैं बलूचिस्तान में पैदा हूँ तो मैं बलूचिस्तान में बलूची हूँ। मैं पंजाब में पैदा हूँ तो मैं पंजाबी हूँ। मैं फला जगह पैदा हूँ मैं फला हूँ। कोई पाकिस्तानी नहीं बन सका। इसी तरह मैक्सिमम कोई सुन्नी फैमिली में पैदा था वो सुन्नी है, कोई अंसारी फैमिली में पैदा था वो अंसारी है, कोई एलितेशी फैमिली में पैदा होता है वो एलितेशी है, कोई मुसलमान नहीं बन सका। इसी तरह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दीन की जो किताब है कुरान मजीद वो आपसे क्या कह रही है, आप उसके मिला उसके मुताबिक एक बात करें और एक साथ आप लोग रहें, मिल बात करें, प्यार मोहब्बत आप सब लोग एक साथ रहें। तो कुरान मजीद हमारा ये कहता है कि हम कुरान मजीद को अपनी दीन की किताब समझते हैं। कुरान मजीद वो चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। आजकल बहुत से लोग नफ्सा नफ्सी में लगे हैं कि वो गैर बिरादर है, वो ये बिरादर है, वो वाली बिरादर है, कोई कुरैशी बिरादर है, कोई वाली बिरादर है, तो हम अपनी बेटी को रिश्ता वहाँ पर नहीं देंगे। इसी तरह आजकल लोगों में एक नफ्सा नफ्सी पैदा चल रही है कि हम अपनी बेटी गैर बिरादरी में नहीं देंगे। तो गैर बिरादरी में क्यों नहीं देते, ये आजकल नफ्सा नफ्सी ये है कि कोई कुरैशी है तो वो कुरैशी अपनी बच्चियों को माँ नहीं दे सकता अंसारी बिरादर में। जैसे कि कोई अंसारी बिरादर में लड़की है तो वो कुरैशी लड़कों को नहीं दे सकता, और कुरैशी लड़का और लड़की कोई और बिरादर है तो लड़के के माँ बाप कहते हैं कि हम लड़की का रिश्ता नहीं करेंगे, वो गैर बिरादर है। गैर बिरादर से क्या लेना देना आपने, आपने अपना फ़र्ज़ निभाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, जुना से बचें और निकाह आम करें। निकाह करोगे तो अच्छा होगा, जुना करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल आपको खुद पता है कि नौजवान नस्ल किस तरह से चल रही है कि आजकल जुना और निकाह ये सब कुछ नहीं, सबसे पहले इस तरह की कोई हरकतें करते हैं वो चले जाते हैं, कोई ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। आजकल लड़की लड़का एक साथ घूमते हैं फिरते हैं, पार्कों में जाते हैं, तो ये सब कुछ करने से ना कुछ नहीं मिलेगा। आप सब से मेरी गुजारिश है कि मेरे प्यारे खवातीन हज़रात, मेरे भाइयों बहनों, आप सब इस तरह की कोई हरकत नहीं करें जो आपको इस तरह से ताले मिले, आपके घर वालों की बदनामी हो, आपके पेरेंट्स की बदनामी हो, आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े, तो आप उनसे अच्छा ये है कि आप ऐसी वैसी हरकतें नहीं करें। आपको अगर शादी करनी है तो शादी के लिए अपने घर वालों से कहिए कि हमारा निकाह करा दें, जिस लड़के को आप पसंद करते हैं आप उससे निकाह करें। लेकिन आजकल जैसा नहीं है, आजकल लड़की लड़का घूमने फिरने जाते हैं तो वो गलत रास्ते पे निकलते हैं, जुना की तरफ निकल जाते हैं, जुना करते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। निकाह करो, निकाह को आम करो और अच्छे रहो, लोगों की नज़रों में रहो, आप सबको इज्जत देंगे, आपको तरबियत अच्छी मिलेगी, आपके घर वालों की इज्जत होगी। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी।